मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रख दिया गया है और सुरक्षा के लिए पुलिस जवान भी तैनात है। इंदौर में ईवीएम को नेहरू स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे और जब तक इस दिन मतगणना शुरू नहीं हो जाती तब तक मशीनों पर पुलिस का पहरा बना रहेगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी ने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और इसके लिए 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। शनिवार की सुबह करीब 5:30 बजे स्ट्रांग रूम को सील करने की कार्रवाई प्रशासन ने की। कलेक्टर ने यह भी बताया है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। आज है ना आई थिंक 5:30 बजे सभी 9 कॉन्स्टिट्यूंसी का है ना स्ट्रांग रूम्स में डिपॉजिट होके ऑब्जर्वर और है ना पॉलिटिकल है ना पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स उनके कैंडिडेट्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव की है ना सामने है ना स्ट्रांग रूम में ना सील किया गया है। प्रॉपर है ना पहले से ही सीसीटीवी कैमराज है ना फिक्स है एंड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपोजिट साइड में ना 9 अलग अलग स्क्रीन्स है ना लगी हुई है, मतलब उनके ना स्ट्रांग रूम का फोकस करते हुए और सिक्योरिटी है 3 लेयर सिक्योरिटी है। अभी है ना ऑलरेडी पैरामिलिट्री स्टाफ ऑलरेडी ना सारे स्ट्रांग रूम्स का एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी के माध्यम से ना गार्ड कर रहे हैं। बहुत है ना पारदर्शी प्रक्रिया ना रखी हुई है एंड नेक्स्ट 3-4 डेज के बाद हम लोग काउंटिंग की ना प्रोसेस है ना स्टार्ट करेंगे कि पहले काउंटिंग पर्सनल की ट्रेनिंग और हमारी ना काउंटिंग हॉल्स की ना तैयारी एंड उसमें भी है ना मतलब और बेहतर कैसे व्यवस्था किया जा सकता है वो उसका लेकर ना हम काम करें।